हम जानेंगे जनरल स्टेनलेस स्टील शेयर को। एक और स्टॉक लेके आइए, ये भी अक्सर लोग इसे स्टील स्टॉक समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग का स्टील कंपनी है और उसका नाम है जिंदल स्टेनलेस। आदित्य, जरा जिंदल स्टेनलेस के स्टॉक को आप लेके आइए, अपने व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है कि ये भी सुबह मैंने बताया था कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो जनवरी से लेके अब तक जिसमें प्रमोटर बाइंग हो रही है। अब मैंने आपको HCL टेक बताया था, UPL बताया था, उसमें से एक स्टॉक ये भी है। यहाँ पे जनवरी 1 से लेके अभी तक में प्रमोटर बाइंग देखी गई है, 7% ऊपर जिंदल स्टेनलेस। डॉक्टर साहब, इसका एक सारा ग्राफ लेके आइए, 3 महीने 50% चला है, बताइए 3 महीने में बाजार किधर गया? जरा निफ्टी और इसको मैप करिए, क्या जबरदस्त तेजी आई है भाई, वाह। आदित्य, अभी मिस हो गई गाड़ी है, अभी भी बैठ सकते हैं इसमें। आपने एकदम सही बताया कि ये स्टॉक कंप्लीट आउट परफॉर्मर है स्टील सेक्टर के स्टॉक में, बाकी सब में इतनी तेजी नहीं है जितनी इसमें तेजी आई है। मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म नजरिया है तो ये स्टॉक अभी भी बहुत मतलब दमखम रखता है बढ़ने का, अभी भी बहुत स्ट्रेंथ रखता है लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने का। पर शॉर्ट टर्म में मैं ऐसा कहूंगा कि बाजार का नजरिया इतना अच्छा नहीं है, जहाँ पे मार्केट लीडर्स लाइक JSW स्टील, टाटा स्टील इतना अच्छा नहीं कर रहे, तो इसमें तेजी हो सकती है पर गिनी चुनी हो सकती है, क्योंकि अगर इंडेक्स लेवल पे कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो रहा तो सेक्टर लेवल पे कुछ नहीं हो रहा तो इसमें गिनी चुनी थोड़ी सी तेजी हो सकती है इन द शॉर्ट टर्म, पर मीडियम टर्म के हिसाब से नजरिया बुलिश है।